तालाबों का शहर भोपाल, शाहजहां बेगम की बनवाई एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के लिए भी मशहूर है। कहते हैं कि भोपाल का बड़ा तालाब राजा भोज के समय का है। मशहूर कहावत ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया इसी तालाब के बारे में है। भोपाल मंदिरों, मस्जिदों, सैकड़ों साल पुरानी इमारतों, पतली गलियों, खुली सड़कों, नवाबी महलों और आधुनिक इमारतों का संगम है। भोपाल की बुनियाद दोस्त मोहम्मद खान ने सन 1767 में रखी और यहां फतेहगढ़ का किला बनाया। भोपाल रियासत एक समय होशंगाबाद तक फैली थी। सन 1819 से 1926 तक 107 साल यहां औरतों की हुकूमत रही। इनमें पहली थी नवाब कुत्सिया बेगम, जिनकी यादें गौहर महल में आज भी ताजा हैं। शौकत महल की खूबसूरत इमारत उन्हीं की बनवाई हुई है। नवाब कुत्सिया बेगम इस इलाके में रेल की शुरुआत करने के लिए भी याद की जाती हैं। अगली नवाब थी उनकी बेटी सिकंदर जहां, जो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रियासत के सीमाओं का विस्तार किया और दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे पर बनाई गई मोती मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। भोपाल की तीसरी महिला नवाब शाहजहां बेगम का समय अमन चैन का दौर था। उन्होंने इमारतें बनाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने शहर की खूबसूरती के ऊपर और उसके मज़ाफात की खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और इल्म के ऊपर भी दिया। उनके ज़माने में भोपाल बगदाद अल हिंद कहलाता था। भोपाल बाहर से भी तालीम हासिल करने के लिए उलमा यहाँ आते थे। मिस्र से कई आलिम आके यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ बच्चों को पढ़ाया। मौलवी अबुल हसन अली नदवी साहब के वालिद यहाँ लखनऊ से पढ़ने आए थे, हदीस पढ़ने आए थे भोपाल। उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र भी किया है। भोपाल में शिक्षा के विकास का काम शाहजहां बेगम की वालदा सिकंदर जहां बेगम के जमाने से ही शुरू हो चुका था। सन 1860 में जिस सुलेमानिया स्कूल की स्थापना नवाब सिकंदर जहां ने की, उसे शाहजहां बेगम ने और बढ़ाया और बाद में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गया। सन 1871 में शाहजहां बेगम ने इस बात का ऐलान किया कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इस बात से शिक्षा के विकास को और बढ़ावा मिला। लड़कियों का पहले स्कूल विक्टोरिया स्कूल के नाम से नवाब शाहजहां बेगम ने ही सन 1891 में शुरू किया। अपने पति उमराव दुल्हा के निधन के बाद नवाब शाहजहां बेगम ने नवाब सिद्दीक हसन से विवाह किया। सिद्दीक हसन काफी से ज्यादा पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने नवाब शाहजहां बेगम को पर्दे में भेज दिया। शाहजहां बेगम की बेटी और बाद में भोपाल की आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां की पढ़ाई के रास्ते में इसीलिए रुकावटें पैदा हुईं। इन सब का असर यह हुआ कि शिक्षा और खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया काम लगभग ठप ही हो गया। उत्तराधिकारी बनने के बाद से सुल्तान जहां सदर मंजिल में रहती थी। 43 साल की आयु में सन 1901 में नवाब बनने के बाद भी उन्होंने अपनी मां के निवास ताजमहल में जाना पसंद नहीं किया। सिद्दीक हसन ने ताजमहल से ही सुल्तान जहां की शिक्षा पर पाबंदियां लगाई थी। सुल्तान जहां ने इसी महल के एक हिस्से में सन 1903 से सुल्तानिया गर्ल्स हाई स्कूल शुरू किया। वो खुद कहती थी
کیونکہ مجھ کو ایسا موقع نہیں ملا. میں جب مجھ کو حکومت ملی اور میں باہر جانے کا مجھے موقع ملا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم ہندوستان کی عورتیں کتنا پیچھے ہیں. ہم نے اپنا اسٹیٹس اپنی عزت خود گرا کے رکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کی خطا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ عورت سب کچھ آگے بڑھے, اپنے آپ کو اپنی جگہ پہچان کی دنیا میں رہنے کے قابل بنائے. تو جو میں نہیں حاصل کر سکی وہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ریاست کے تمام لوگوں کو تھوڑا بہت تو جتنا جس کا ظرف ہے اتنا لے لے. یہ ان کا اپنا شوق تھا. سلطان جہاں بیگم کو عورتوں کی تعلیم سے زیادہ شوق تھا. وہ چاہتی تھیں کہ مردوں کے ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں اور ایسی تعلیم حاصل کریں جو ان کی آئندہ زندگی میں کام آئے. صرف وہ تعلیم برائے تعلیم ہی نہ ہو بلکہ تعلیم برائے معاش بھی ہو. تو وہ لڑکیوں کو دستکاری, زردوزی اور اچار چٹنی بنانا اس طرح کی چیزیں سکھاتی تھیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے کچھ کما سکیں اور اپنے خاندان کو پال سکیں اگر ان پہ وقت پڑے تو. سلطان جہاں بیگم اپنی ریاست کے ہر بچے تک شکشا پہنچانا چاہتی تھی, پر اس وقت بھوپال میں آدھونک شکشا کی طرف سے نہ کیول لوگ اداسین تھے بلکہ انیک روڑیوں کے کارن لوگ شکشا کا ویروت کرتے تھے, خاص طور پر لڑکیوں کی شکشا کا. شکشا کے لیے کوئی خاص ماحول نہیں تھا. پٹھان جو تیرا سے آئے تھے 200 مسلح کے زمانے میں اور انہیں کا اختیار تھا ریاست میں فوج پہ اور سب پہ, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اور دوسرے علماء کرام مفتی بھوپال کے اور قاضی بھوپال کے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت سلطان جہاں بیگم نے ان لوگوں کو بلا بلا کے فرزند فرزند سمجھایا, فہمائش کی, کوشش کی, اور پھر جب بھی وہ پوری طرح راضی نہیں ہو پائے تو انہوں نے ان کی پرواہ کیے بغیر لڑکیوں کی تعلیم کو شروع کر دیا. ان کو تو ایک ایسا شوق تھا عورتوں اور مردوں کی بھی تعلیم کا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے شہر کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بھاگتے تھے. آج جس طرح ٹوٹ کے تعلیم کی طرف بچہ گر رہا ہے اور پریشانیاں اٹھا رہا ہے, وہ ہاتھوں پہ رکھ رکھ کے دیتی تھیں اور لوگوں کی بس قسمتی کے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. شکشا کے اس افسر کا لابھ اٹھانے کے اس راستے میں کئی اڑچنیں تھیں اور سب سے بڑی اڑچن تھی پردہ. سب سے آنکھی آڑ لاتے تھے, ہندو بھی لاتے تھے, مسلمان بھی لاتے تھے کہ انگریزی پڑھنے سے کرسچن بن جائیں گے ہم, ہمارے دھرم پہ ہم نہیں رہیں گے, ہمارے مذہب پہ قائم نہیں رہیں گے. اس سب کا مقابلہ کیا پھر مسلمانوں کی خاص طور سے, اور راجپوت قوم اور کائست قوم جو ہندوؤں کی تھی اور مارواڑی بنی ہے جنہیں مول کہتے تھے, ان کا بھی اتنا ہی سخت پڑتا تھا چاہے وہ بھوپال کی بیگمات کو دیکھ کے ہو یا مسلم کلچر اور سماج کی وجہ سے ہو یا پیسے پہلے سے ہو, کہ بہت سخت پردہ ان کے ہوتا تھا. تو اب ایسے پردہ نشین لوگوں کی لڑکیوں کو اس میں لا کے پڑھوانا بہت مشکل کام تھا. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے سلطان جہاں بیگم کا. لڑکیوں کو اسکول نہ بھیجنے کے دو بہانے تھے, ایک تو یہ کہ لڑکیاں بے پردہ ہوں گی اور دوسرا یہ کہ خرچہ بہت آئے گا. تو بیگم سلطان جہاں نے اس کا ایک طریقہ نکالا. انہوں نے لڑکیوں کو اسکول لانے اور لے جانے کے لیے خاص بیل گاڑیوں کا بندوبست کیا جس پر چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے, اور دوسرا کام یہ کیا کہ شکشا کو مفت کرا دیا. اب بے پردگی اور خرچے کے سوال پر ویروت کرنے والوں کے لیے کچھ نہیں بچا. مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے وہ بس فری تھی. اور سب کو پردے میں ہی اس طریقے سے جانا پڑتا تھا کہ جو ینگ لڑکیاں تھیں ان کو برقع پہن کے اپنے گھر سے اس میں بیٹھیں, اس کے بعد اپنا برقع ہٹائیں بس میں بیٹھنے کے بعد. اور اسی طریقے سے اسکول میں اترتے وقت اتنا سخت انتظام تھا کہ بہت بڑے بڑے گیرج تھے, جب بس جا کے اندر گیرج کے رکتی تھی اور دونوں طرف پردے لگا دیے جاتے تھے تو پردے کے ساتھ ہی اسکول میں اتارا جاتا تھا انہیں. تاج محل کے بڑے دروازے پر آ کر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اور لڑکیاں دروازے کے نیچے بنے ہال میں آ کر ہی اپنے برقعے اتار کر کلاسوں میں جاتی تھیں. یہیں سے برقعے پہن کر وہ گھروں کے لیے واپس روانہ ہوتی تھیں. شروع میں ہر طرف سے بند بیل گاڑیوں میں لڑکیاں اسکول آتی تھیں, بعد میں بسیں چلنے لگی لیکن پردہ پھر بھی برقرار رہا. پردے کا مطلب یہ نہیں تھا
कि स्कूल के अंदर किसी तरह की कट्टरता हो, पढ़ाई में और दूसरी गतिविधियों में एक खुलापन लगातार रहा। शुरू क्लास से उर्दू की किताब, हिंदी की किताब, हिसाब की किताब और अरबी का कायदा, जो अरबी पढ़ना चाहे वो अरबी और जो संस्कृत पढ़ना चाहे उनकी शुरू में हिंदी पढ़ाई जाती, और ज्योग्राफिया चौथी क्लास से आके ज्योग्राफिया शुरू हो जाता था कंपलसरी, भोपाल की हिस्ट्री कंपलसरी, उर्दू और अंग्रेजी और हिसाब, ये सब पूरे कोर्सेस पढ़ाए जाते थे। हर मज़हब की लड़कियां आती थीं, लोग बुरके में भी आते थे, लोग ऐसे भी आते थे जो थोड़े आज़ाद ख्याल के हैं, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन उस वक्त जो हासिल करी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी चीज़ की कमी थी। मिसाल के तौर पर वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पे जोर नहीं था, बल्कि हर तरह की उस चीज़ पे जोर था जिससे कि एक लड़की की शख्सियत बने। वहाँ पर गाना सिखाया जाता था, वहाँ लड़कियों को डांस सिखाया जाता था, डिबेट्स होते थे, हम लोग प्लेज में हिस्सा लेते थे, बेतबाजी हुआ करती थी, तो मतलब एक पूरी लड़की की एक शख्सियत बनाई जाती थी। हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए गाने की तैयारी करते रहते थे, जो नेशनल सॉन्ग गाने के लिए, और उस तरफ भी क्लासेस जो लगती थी तो लड़कियाँ सीने से जाती थी, बाहर से कहीं से नहीं जाती थी। नीचे छठा क्लास होता था, ऊपर आठवां क्लास लगता था, ये जो जीना है ये ऊपर जाने का है, इधर से भी जा सकते थे। वो जो कमरा आप देख रहे हैं वो स्टाफ रूम था हमारा, और यहाँ भी क्लासेस लगती थी दालानों में, और यहाँ बहुत खूबसूरत लॉन था, और वॉलीबॉल खेलने का भी बनाया हुआ था यहाँ पे, लड़कियाँ वॉलीबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल खेलने का भी था, और उसके उस तरफ प्रिंसिपल का कमरा था, तो दरवाजे के बाहर स्टाफ बैठता था कॉलेज का, जो फीस वगैरह देते हैं मुंशी वगैरह। हाँ, सब बेंच वगैरह लगी हुई थी, उस पर बैठ कर खाना खाती थी लड़कियाँ, जमीन में बैठ के उमूमन खाना नहीं खाता जाता था, तो ज़्यादातर ग्रुप में बैठ के खाना खाते थे हम लोग। और इस तरफ जो दालान है इसमें डांस क्लासेस होती थी, डांस सीखती थी, जो लड़कियाँ भी पसंद करती थी, तो उसमें जो तबला मास्टर साहब और डांस मास्टर साहब थे उस तरफ बैठते थे, और लड़कियाँ इस तरफ डांस करती थी, यहाँ देखने वाली में खड़ी हो जाती थी। होली दिवाली पे बहुत जश्न मनाते थे, खासतौर से होली, दिवाली से जाहिर रात को होती थी, होली में गुलाल ले आती थी लड़कियाँ, हम लोग को एक दूसरे पे गुलाल फेंकते थे, फिर उस थाली में सजा के अपने प्रिंसिपल के पास ले आते थे, उनके गुलाल लगाते थे, वो उनको मिठाई खिलाते थे, हालांकि प्रिंसिपल से हम बहुत डरते थे, और वो भी बहुत डिसिप्लिन से रहती थी, फालतू बात नहीं करती थी, और दिन वो भी हमसे बहुत अच्छे से मिलती थी, गले मिलती थी हम लोगों से, हमसे बातें करती थी, कभी कभी कोई टुकड़ा उठा के लड़कियों के मुँह में भी दे देती थी, और बहुत मोहब्बत करने वाली टीचर से बहुत मोहब्बत करने वाली प्रिंसिपल हुआ करती थी इस ज़माने में, जो आजकल नहीं होती। एक नवंबर सन 1907 को सुल्तान जहां बेगम ने अलेक्जेंड्रा नाम का एक स्कूल खोला। ये स्कूल रियासत के पदाधिकारियों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए खोला गया। क्योंकि स्कूल की इमारत बनाने में ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए इसकी शुरुआत फलकनुमा में उन कमरों से की गई जहां विदेशी मेहमानों को ठहराया जाता था। अपनी रियासत के सभी लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए नवाब सुल्तान जहां ने सभी संभव प्रयास किए। अलेक्जेंड्रा स्कूल कायम किया, और उसने अपने बेटे नवाब हमीदुल्ला खां को भी आम लड़कों के साथ, आम बच्चों के साथ पढ़ने की तरकीब की, और नवाब हमीदुल्ला खां ने उनके साथ पढ़ा। ये जिस इमारत में इस वक्त हम मौजूद हैं इसमें नवाब साहब ऊपर बैठ के पढ़ा करते थे सब बच्चों के साथ। इस इमारत में 8 कमरे हैं ऊपर, और बेनजीर की इमारत भी उन्होंने शामिल कर ली थी।
अपनी रियासत के सभी लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए नवाब सुल्तान जहां ने सभी संभव प्रयास किए। और रियासत में बहुत स्कूल खोले गए, हर महल में, हर कस्बे में एक एक यानी स्कूल जरूर खोला गया औरतों के लिए, जैसे रायसेन में, जैसे सीहोर में, जैसे जेठारी में, जैसे सिलवानी में, जितने बड़े बड़े कस्बे थे सबका सरकार दौरा किया करती थी साल में एक दफा। सन 1912 में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए दारुल शफकत कायम किया। यहाँ उन्हें पढ़ाया भी जाता था और कोई हुनर भी सिखाया जाता था, ताकि वो भीख मांगने के बजाय या छोटी मोटी मजदूरी करने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसी ही एक संस्था गरीब और बेवा औरतों के लिए भी खोली गई। गरीबों के लिए उन्होंने एक घर बनाया जिसमें उनको रखा जाता था कि सड़कों पे भीख ना मांगते फिरे। उसके बाद फिर ये सब्जी मंडी, यहाँ उन्होंने बेवाओं के लिए एक स्कूल खोला जो उनको कपड़े वपड़े सीने के लिए सरकारी उससे दिलवाती थी बेगम साहिबा, और वो लोग कपड़ा सीना जिनको नहीं आता था वो सीखती थी, जो सीख जाती थी वो सीखे और फिर वो बेचा जाता था और उससे उनको तनख्वाहें दी जाती थी। सन 1907 में बेगम सुल्तान जहां ने अपनी पोती बिरजीस जहां की स्मृति में, जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, एक कन्या पाठशाला खोली। जिस दिन ये पाठशाला खुल रही थी तो उन्होंने कहा कि असल में तो सब बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए था, और एक अच्छे हाकिम को अपनी रियाया के साथ मज़हब के आधार पर कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि मज़हबी तालीम बचपन में दी जाती है इसलिए ये अलग अलग स्कूल खुले हैं। अगर ये बात ना होती तो सबके लिए एक ही स्कूल होता। इस पाठशाला का तमाम खर्च बेगम सुल्तान जहाँ के एंडाउमेंट फंड से किया जाता था। सालाना जलसा हुआ था तो हम लोगों को भी वहाँ ले जाया गया था। बाकी तालीम वहाँ की बहुत अच्छी होती थी, फ्री पढ़ाई थी, किताबें भी मुफ्त दी जाती थी, और जब लड़कियाँ अच्छे नंबरों से अच्छे उसके साथ पास होती थी तो उनको इनामात दिए जाते थे। देश भर में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी उनसे हो सका नवाब सुल्तान जहां ने किया। उन्होंने सर सैयद द्वारा स्थापित मोहम्मेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और मोहम्मेडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की लगातार आर्थिक मदद की। वो किसी यूनिवर्सिटी की चांसलर बनने वाली हिंदुस्तान की पहली औरत थी। वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सन 1920 से सन 1930 तक चांसलर रहीं। सन 1906 में अलीगढ़ में ही लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत करने वाले शेख अब्दुल्ला ने मदद के लिए नवाब सुल्तान जहां को खत लिखा। शेख अब्दुल्ला ने बेगम सुल्तान जहां को खत लिखकर लड़कियों का प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए मदद मांगी। बेगम सुल्तान जहां ने उन्हें 100 रुपए महीना भेजना शुरू किया और स्कूल शुरू हुआ। आज वो स्कूल बढ़कर कॉलेज बन गया है, जहां से शिक्षा पाकर बहुत सी बच्चियों ने अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में अपने लिए जगह बनाई। AIWC यानी अखिल भारतीय महिला परिषद का पहला सम्मेलन पुणे में हुआ। महिला शिक्षा की समर्थक अनेक महिलाओं के प्रयासों का ही ये नतीजा था। सन 1928 में AIWC का दूसरा सम्मेलन जब दिल्ली में हुआ तो उसकी अध्यक्षता नवाब सुल्तान जहां बेगम ने की। महिलाओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सुल्तान जहां बेगम ने लगातार प्रयास किए। तकरीरें की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक में तकरीरें की, जामे मिल्लिया तक में तकरीरें की। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम है, आप अपनी बच्चियों को निकालो और पढ़ाओ। जमाना गया कि जब तालीम में निस्बत गुनाह समझी जाती थी और बुराई से देखी जाती थी, अब जमाना ऐसा नहीं रहा। जिन बच्चियों को कल की माँ बनना है और कल की कौम को पालना है उनको तालीम होना चाहिए।
भोपाल से कुछ दूर जियाउद्दीन टीकरी पर नवाब सुल्तान जहां ने अपने पति अहमद अली की याद में अहमदाबाद बसाया। महल में काम करने वाले लोगों के लिए सुल्तानिया स्कूल काफी दूर पड़ता था। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अहमदाबाद में रहने वाले मुलाजमों के बच्चों के लिए महल के ही एक हिस्से में स्कूल खोला, जहां आज एक पब्लिक स्कूल चल रहा है। शिक्षा के हर पहलू पर बेगम सुल्तान जहां की अमिट छाप है। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने अपनी बेटी बिल्किस जहां की याद में बिल्किसिया नर्सिंग होम खोला और अपनी छोटी बेटी आसिफ जहां की याद में उन्होंने एक यूनानी अस्पताल और दो पब्लिक लाइब्रेरीज भी खोली। इसके अलावा भोपाल के नवाबों का विस्तृत इतिहास लिखा और कई विषयों पर 100 से ज्यादा किताबें भी लिखी। होशियार छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इस काम के लिए बेगम सुल्तान जहां ने वजीफों की शुरुआत कराई, जिसका लाभ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी उठाया और अन्य सैकड़ों छात्रों ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने अपने इलाके की सब लड़कियों को इस बात का एहसास दिलाया कि आज़ादी शिक्षा के साथ ही आती है। अगर बेगम सुल्तान जहां अपनी जिंदगी में और कुछ न करती, सिर्फ यही करती, तो एक जीवन के लिए ये काफी था। सन 1901 से सन 1926 तक 25 साल भोपाल पर राज करने वाली इस आखिरी महिला नवाब ने शिक्षा के प्रचार के लिए जो कुछ किया, उसने भोपाल की औरतों को अपने ऊपर यकीन करना सिखाया। आपने देखा कि वहाँ की औरतों में एक अपने पे एक यकीन और एतमाद बहुत है। वहाँ अगर एक औरत बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है तो ये एतमाद जो उसकी बुनियाद वहीं से शुरू होती है, जब से सुल्तान जहाँ बेगम ने इस बात की बुनियाद रखी कि तालीम औरत की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। सुल्तान जहाँ बेगम चाहती थी कि औरतों में खुद एतमादी पैदा हो और वो किसी दूसरे के नाम से ना पहचानी जाए। आपका नाम क्या है? मैं साहब फना साहब की बेटी हूँ। नहीं बेटा, अपना नाम बताइए। आपकी शख्सियत आपके नाम से है, वालिद के नाम से नहीं है। आप खुद क्या करती हैं, क्या बनती हैं, या आप अपने नाम से बनेंगी, वालिद के नाम से नहीं बनेंगी। बेगम सुल्तान जहां ने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए उदाहरण बनाया, विदेश यात्राएं की, पर्दे के बावजूद शासन की सारी जिम्मेदारी निभाई। उनकी शिक्षा और आधुनिक विचारों ने औरतों को प्रेरित किया कि वो बाहर निकलें और अपने पैरों पर खड़ी हों। नवाब बनने के बाद उन्हें ये साबित करने का अवसर मिला कि औरत कुशल शासक और परिवर्तन की प्रेरक दोनों ही हो सकती है। अपनी प्रजा और देश भर के पुरुष शासकों के सामने ये दोनों बातें उन्होंने बखूबी सिद्ध कर दी। अगर सुल्तान जहां बेगम ना होती तो क्या होता? नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने औरतों की तालीम के जितना जोर दिया अगर वो न होती तो शायद हम लोग गांव देहात की औरतों की तरह उपले थोपते होते, बच्चों को गालियां देते होते, हमारे बच्चे और हमारे बहन भाई या हम खुद गिल्ली डंडा खेलते या गुल्ले खेलते, गाली गलौज करते, हमें अदब तहजीब से दूर का निशान नहीं होता। अब ये हालत है कि मुझे दिल्ली में लोग कहते थे कि भोपाल की लड़की से हमारे भाई की हमारे बेटे की शादी करवा दीजिए। अगर वो ना होती तो हम जाहिल होते और हमको जीने के जो तरीके अल्हम्दुलिल्लाह अब आते हैं, हम अच्छे को अच्छा समझ लेते हैं जहाँ तक हमारे अकल का ताल्लुक है। हमारा दिमाग फैसला करता है कि ये बात अच्छी है, इसे करना है, और ये बुरी है, इससे बचना है। तो ख़ुद भी बचने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में और जहाँ जहाँ मिलना है, कम से कम मुझको तो ये फख्र है बताते में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। तो अगर सुल्तान जहां बेगम नहीं होती
تو آج کا بھوپال آج کا بھوپال نہیں ہوتا, کیونکہ جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تبھی اس پہ عمارتیں عظیم بنتی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک سیکولر بنیاد پہ ایک ایجوکیشن کو بنایا گیا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکھنے والی بات ہے. تو اس بنیاد کو ہمیں کتنا قائم رکھنے کی ضرورت ہے. سن 1930 میں نواب سلطان جہاں بیگم کا دیہانت ہوا اور احمد آباد میں اپنی بنائی ہوئی صوفیہ مسجد کے احاطے میں انہیں دفن کیا گیا. سلطان جہاں بیگم کے شروع کیے گئے کچھ سکول بند ہو چکے ہیں اور کچھ کے کھنڈہرے بچے ہیں. کیا انہیں گرنے سے روکنا ضروری نہیں؟